हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही धांसू टॉपिक लाया है दोस्तों। मार्च 2020 के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम दोस्तों, यानी विषय दोस्तों। मार्च में जितने भी आपके महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, मनाए जाते हैं, उसके थीम और उसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा जानकारी आपको कोई नहीं देगा, ये मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों। और दोस्तों इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, आप पूछे जाएंगे भी दोस्तों, या तो थीम या उस दिवस को कब मनाया जाता है उसका डेट पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपसे 10 क्वेश्चन का क्यूज करवाऊंगा। आपको यहीं पास सारा क्वेश्चन, सारा दिवस और उसके थीम याद हो जाएंगे दोस्तों, ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा याद हो जाएगा यहीं पास बैठे बैठे दोस्तों, 10 से 15 मिनट में सारा दोस्तों, क्योंकि मैं रिवीजन के लिए क्यूज भी रखा हूं दोस्तों 10 क्वेश्चन का दोस्तों। चलिए दोस्तों मार्च 2020 के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम के बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 1 मार्च से दोस्तों। 1 मार्च यानी फर्स्ट मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे दोस्तों। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसे हिंदी में कहा जाता है शून्य भेदभाव दिवस दोस्तों। शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इसका थीम यानी विषय है जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन एंड गर्ल्स। ये देखिए दोस्तों, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन एंड गर्ल्स, ये दोस्तों देखिए 1 मार्च को मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस के रूप में दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों 3 मार्च यानी 3 मार्च, 3 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम है दोस्तों 2020 का सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ दोस्तों। वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव दिवस दोस्तों, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ दोस्तों। देखिए आपके सामने है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 8 मार्च, 8 मार्च आप लोग जानते होंगे 8 मार्च को अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से दोस्तों, क्योंकि इंटरनेशनल वोमेन्स डे मनाया जाता है दोस्तों। इंटरनेशनल वोमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को। और दोस्तों 8 मार्च को जब बात आता है तो 8 मार्च के बारे में मैं आपको बता दूं कि 8 मार्च के दिन ही, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न स्टेडियम में आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया था भारत को हरा करके दोस्तों 85 रनों से। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का 2020 का थीम है, विषय है आई एम जेनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। और दोस्तों इसका एक और थीम है कैंपेन थीम, जिसको कहा जाता है इच फॉर इक्वल। और दोस्तों यह है इंटरनेशनल वुमेन्स डे दोस्तों, 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 12 मार्च, 12 मार्च आ गया, 12 मार्च, 12 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्तों? तो देखिए 12 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड किडनी डे दोस्तों। किडनी डे के रूप में मनाते हैं 12 मार्च को दोस्तों, विश्व किडनी दिवस के रूप में दोस्तों। और दोस्तों 2020 के वर्ल्ड किडनी डे का थीम यानी विषय है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों वर्ल्ड किडनी डे 12 मार्च 2020 को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर इसका थीम है दोस्तों, विषय है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। 13 मार्च है दोस्तों, 13 मार्च, 13 मार्च दोस्तों, 13 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड स्लीप डे यानी विश्व निद्रा दिवस यानी नींद दिवस के रूप में मनाते हैं 13 मार्च को दोस्तों। 13 मार्च जब भी आएगा सो जाइएगा दोस्तों, याद रखिएगा वर्ल्ड स्लीप डे, विश्व निद्रा दिवस। और दोस्तों 2020 में वर्ल्ड स्लीप डे यानी विश्व निद्रा दिवस का थीम यानी विषय है बेटर स्लीप बेटर लाइफ बेटर प्लानेट दोस्तों। आपके सामने है विश्व निद्रा दिवस, देखिए दोस्तों एक बच्चा सोया हुआ है दोस्तों, सब सारा टेंशन खत्म करके दोस्तों, वर्ल्ड स्लीप डे इसलिए मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों 15 मार्च, दोस्तों 15 मार्च किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को? तो दोस्तों देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 15 मार्च दोस्तों, याद रखिएगा 15 मार्च, 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। और दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, और इस साल के वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का थीम या विषय है सस्टेनिंग कंज्यूमर, द सस्टेनिंग कंज्यूमर दोस्तों, याद रखिएगा वर्ल्ड कंज्यूमर
राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और इसका विषय है, थीम है द सस्टेनिंग कंज्यूमर्स। दोस्तों 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, 20 मार्च, दोस्तों 20 मार्च क्या मनाया जाता है दोस्तों 20 मार्च को? तो दोस्तों 20 मार्च जब भी आएगा आप हंस देना, क्योंकि 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों। और दोस्तों इस साल के हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक है 144वां दोस्तों, पिछले साल 140 था, इस साल 144वां हो गया दोस्तों। और टॉप पे है फिनलैंड दोस्तों, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में दोस्तों। और दोस्तों 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों। और दोस्तों प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और इस साल के थीम है, विषय है हैप्पीनेस फॉर ऑल, सभी हंसो दोस्तों क्योंकि हैप्पीनेस फॉर ऑल इसका थीम है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस दोस्तों 20 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल, याद रखिएगा, याद ऐसे भी रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, 21 मार्च यानी 21 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस के रूप में मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाते हैं दोस्तों 21 मार्च, 21 मार्च को दोस्तों। और इस साल के इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम है, विषय है फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी दोस्तों, फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का थीम है, विषय है दोस्तों। देखिए दोस्तों फॉरेस्ट है जहां इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जा रहा है दोस्तों 21 मार्च को दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, देखिए दोस्तों फिर 21 मार्च आया है दोस्तों, तो 21 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। और यहां पास क्या है दोस्तों 21 मार्च को? तो देखिए दोस्तों वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों 21 मार्च को, और 21 मार्च को ही मनाया जाता है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस दोस्तों। और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2020 का विषय क्या है दोस्तों? तो वी डिसाइड इसका थीम है दोस्तों, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए आपके सामने है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 22 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्तों? आपको याद होगा 22 मार्च क्या मनाते हैं दोस्तों? जब भी 22 आएगा तो दोस्तों वाटर का याद आएगा दोस्तों, वाटर, क्योंकि दोस्तों देखिए वर्ल्ड वाटर डे, इसमें W दो बार है दोस्तों, तो दो भी दो बार है दोस्तों, 2 2, W W यानी वर्ल्ड वाटर डे यानी 22 मार्च विश्व जल दिवस दोस्तों। जीवन के लिए जल जरूरी है दोस्तों, जल है जीवन है दोस्तों, इसलिए 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। और इस साल के 2020 के वाटर डे का यानी विश्व जल दिवस का थीम है, विषय है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज याद है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं इसलिए याद रखते हैं दोस्तों, 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 23 मार्च आ गया दोस्तों, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। जब भी थर्ड आएगा तो मौसम को याद कर लीजिएगा दोस्तों, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों मनाया जाता है दोस्तों। और इस साल के 2020 का विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम यानी सब्जेक्ट है, विषय है क्लाइमेट एंड वाटर दोस्तों, क्लाइमेट एंड वाटर, मौसम विज्ञान दिवस है दोस्तों तो क्लाइमेट एंड वाटर से इसका संबंध बनता है दोस्तों। और दोस्तों ये आपके सामने है उसका सीन दोस्तों, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे दोस्तों, मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो कि 23 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, क्लाइमेट एंड वाटर इसका विषय है, थीम है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, 24 मार्च आ गया, तो 24 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी वर्ल्ड टीबी डे भी इसको कहा जाता है दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस डे यानी टीबी डे के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों, विश्व तपेदिक दिवस इसके हिंदी में कहा जाता है दोस्तों। और 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और इस साल के विश्व तपेदिक दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी टीबी डे का थीम है, विषय है इट्स टाइम टीबी डे, वो ट्यूबरकुलोसिस डे, विश्व ट्यूबरकुलोसिस डे का थीम है दोस्तों, इट्स टाइम, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत छोटा है, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे दोस्तों 24 मार्च को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों,
25 मार्च, दोस्तों 25 मार्च का बात आता है तो दोस्तों 25 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों 25 मार्च को उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों, उगादी महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों 25 मार्च को दोस्तों। आगे मैं आपके एक बार और क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों, जिससे आपको ये याद हो जाएगा दोस्तों। उगादी फेस्टिवल 25 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, उगादी महोत्सव। और दोस्तों ये कहां कहां मनाया जाता है दोस्तों, तो आपका स्टेट है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उगादी महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। ये आपके सामने है दोस्तों उगादी महोत्सव दोस्तों, जो कि 25 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों फिर आया 25 मार्च, तो दोस्तों फिर 25 मार्च है दोस्तों, मैं आपको बोला था कि आगे आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 25 मार्च को उगादी महोत्सव मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ है गुड़ी पड़वा दिवस यानी गुड़ी पड़वा त्योहार दोस्तों, गुड़ी पड़वा त्योहार जो कि दोस्तों महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और दोस्तों गुड़ी पड़वा दिवस और उगादी महोत्सव दोनों दोस्तों नव वर्ष के शुभकामना के रूप में मनाया जाता है दोस्तों 25 मार्च को दोस्तों, नव वर्ष के शुभकामना के लिए दोस्तों, गुड़ी पड़वा दिवस और उगादी महोत्सव दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, 27 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्तों, तो 27 मार्च को क्या मनाते हैं, जब भी 27 मार्च आएगा दोस्तों तो दोस्तों 27 मार्च यानी वीकेंड आ जाता है दोस्तों, तो वीकेंड में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो वर्ल्ड थिएटर डे यानी थिएटर जाते हैं सिनेमा देखने दोस्तों, थिएटर जाते हैं, क्या करने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं दोस्तों। विश्व रंगमंच दिवस इसलिए मनाते हैं दोस्तों 27 मार्च को दोस्तों, क्योंकि हर 7 दिन के बाद वीकेंड आता है जिसमें हम लोग थिएटर जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, तो इसलिए 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे यानी विश्व रंगमंच दिवस इसे हिंदी में कहा जाता है मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों 2020 के वर्ल्ड थिएटर डे यानी विश्व रंगमंच दिवस का थीम यानी विषय है टेक ए चाइल्ड टू द थिएटर दोस्तों, वर्ल्ड थिएटर डे दोस्तों विश्व रंगमंच दिवस का विषय है दोस्तों, ये दोस्तों आपके सामने है थिएटर। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, 28 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों, इसके बाद आपका क्यूज स्टार्ट हो जाएगा। 28 मार्च को क्या मनाते हैं दोस्तों, तो अर्थ आवर डे मनाया जाता है दोस्तों 28 मार्च को दोस्तों। और दोस्तों इस साल के 2020 का अर्थ आवर डे का विषय है, थीम है क्लाइमेट एक्शन, अर्थ आवर डे का थीम है क्लाइमेट एक्शन दोस्तों, क्लाइमेट एक्शन अर्थ आवर डे आपके सामने है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आपको क्यूज स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों 10 क्वेश्चन का दोस्तों। अब दोस्तों इस क्यूज में आपको आंसर बताना कमेंट में नहीं है, आप लास्ट में बताइएगा कि 10 में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है दोस्तों, 10/2 आपका जितना मार्क्स आएगा वो और 10/2 दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको कितना क्वेश्चन सही होता है दोस्तों, यहाँ पास आपको पता चल जाएगा कि याद हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्यूज को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, 2 सेकंड रुकूंगा, अगला क्वेश्चन ला दूंगा दोस्तों, इसलिए देख लीजिएगा 2 सेकंड में, आप आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों और देख लीजिएगा लास्ट में, मैं आपको आंसर बता दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, मैं आपको ये क्वेश्चन लाया तो नहीं था मगर बता दिया था दोस्तों बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आपको हिंट भी दूंगा जल है तो जीवन है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, 20 मार्च 21 मार्च 22 मार्च। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है, सॉरी दोस्तों मैं आपको यह क्वेश्चन नहीं बता पाया, मिस्टेक हो गया दोस्तों थोड़ा सा, इसलिए जिन्हें याद होगा वो बना लेना, 4 ऑप्शन है 25 मार्च 21 मार्च 28 मार्च 26 मार्च। दोस्तों मैं आपको हिंट दे सकता हूं विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं उसी दिन विश्व कविता दिवस यानी वर्ल्ड पोएट्री डे भी मनाया जाता है दोस्तों, जिन्हें हिंट मिल गया होगा उनको पता हो गया होगा इसका आंसर दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, राजस्थान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, जो मेरे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते होंगे दोस्तों पर डे उन्हें ये सब याद होगा दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है 28 मार्च 20 मार्च 29 मार्च 30 मार्च। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला दोस्तों देखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय क्या है,
क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, इट्स टाइम, आई एम जेनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स, वुमेन इन साइंस, नन ऑफ दिस। इन चारों ऑप्शन में आपका एक आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय यानी थीम क्या है? चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पांचवा, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए 1 मार्च, बी 3 मार्च, सी 10 मार्च, डी 5 मार्च। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर छठा, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मैंने अभी भी बताया है, हिंट दे देता हूं, वीकेंड में हम लोग जाते हैं दोस्तों हर 7वां दिन के बाद थिएटर सिनेमा देखने के लिए, इसलिए विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 27 मार्च, बी 29 मार्च, सी 31 मार्च और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 700 लाइक दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का विषय क्या है? उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का थीम क्या है दोस्तों 2020 में? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए है टेक ए चाइल्ड टू द थिएटर, बी है इट्स टाइम, सी है द सस्टेनिंग कंज्यूमर और डी है क्लाइमेट एंड वाटर। अब बताइएगा दोस्तों 10 में से कितना आपका सही हुआ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व जल दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व जल दिवस 2020 का विषय, 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, घड़ी का समय चल रहा है, विश्व जल दिवस 2020 का विषय क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, ए है क्लाइमेट एंड वाटर, बी है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, सी है फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी और डी है क्लाइमेट एक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नौवां है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है दोस्तों? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी, बी हैप्पीनेस फॉर ऑल, सी क्लाइमेट एंड वाटर, डी इट्स टाइम। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, इसी दिन मनाते हैं हम लोग दोस्तों वर्ल्ड पोएट्री डे। चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, विश्व तपेदिक दिवस यानी टीबी डे यानी ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व तपेदिक दिवस यानी टीबी डे यानी ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? ये तो बोनस में हो गया दोस्तों। दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, ए 23 मार्च, बी 28 मार्च, सी 27 मार्च और डी 24 मार्च। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना सही हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन 10 लाख के लिए है, विश्व तपेदिक दिवस यानी टीबी डे यानी ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों समाप्त होता है टाइम। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा दोस्तों क्योंकि इस चैनल पे आपको दमदार शॉर्ट ट्रिक के साथ मैथ और रीजनिंग भी आने वाला है दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अब आंसर बताता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करता हूं, देख लीजिएगा दोस्तों। विश्व तपेदिक दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे टीबी डे के रूप में कब मनाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 24 मार्च। 24 मार्च को मनाते हैं दोस्तों वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे टीबी डे। और दोस्तों इसका थीम क्या है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए अगला आंसर देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस का विषय क्या है? और इसका थीम है दोस्तों ऑप्शन ए फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी। जिनका आंसर सही होगा ऑप्शन ए वो सही होगा दोस्तों उनका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 8वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, विश्व जल दिवस 2020 का विषय क्या है? दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? जिस दिन बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च को दोस्तों, बिहार दिवस और विश्व जल दिवस मनाते हैं। और दोस्तों विश्व जल दिवस 2020 का विषय क्या है? तो ऑप्शन बी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इसका आंसर है दोस्तों, विश्व जल दिवस 2020 का। चलिए 7वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का विषय क्या है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2020 का थीम क्या है दोस्तों? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी
द सस्टेनिंग कंज्यूमर, जिनका आंसर सही होगा वो सही कर लीजिएगा दोस्तों, द सस्टेनिंग कंज्यूमर ऑप्शन सी। और दोस्तों कब मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 मार्च को दोस्तों, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। चलिए 6वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं दोस्तों, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों हर वीकेंड को मनाया जाता है दोस्तों, हम लोग थिएटर जाते हैं 27 मार्च को दोस्तों। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 27 मार्च, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों वर्ल्ड थिएटर डे का थीम क्या है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर क्या होगा दोस्तों, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 3 मार्च, यानी 3 मार्च को दोस्तों विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं दोस्तों, 3 मार्च को। और दोस्तों इस साल के विश्व वन्यजीव दिवस का थीम क्या है दोस्तों? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, इसका थीम है दोस्तों। और दोस्तों 3 मार्च को ही जमशेदजी नूरसवानजी टाटा का जन्मदिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। चलिए 4वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय क्या है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को दोस्तों। चलिए 3रा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं दोस्तों, राजस्थान दिवस के रूप में कब मनाते हैं दोस्तों? मैंने आपको नहीं बताया था, तो इसका आंसर होगा 30 मार्च, ऑप्शन डी दोस्तों, 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2रा का आंसर देख लेते हैं, विश्व कविता दिवस के रूप में कब मनाते हैं? वर्ल्ड पोएट्री डे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 21 मार्च, ऑप्शन बी दोस्तों, 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों, 21 मार्च। जिसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा वो सही कर लें दोस्तों। दोस्तों 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाते हैं, जिसका थीम वी डिसाइड होता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मतलब अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका थीम होता है वर्ल्ड फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों, बिहार दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? मैं आपको बता दिया दोस्तों, जिस दिन जल दिवस मनाया जाता है उसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को दोस्तों। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 22 मार्च। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस फैलेगा, घर से नहीं निकलिएगा, घर में रहिएगा दोस्तों, और मेरे वीडियो का मजा लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।